press the red button to subscribe my YouTube channel. आप सोच रहे होंगे मैं बहुत दिनों से videos क्यों नहीं डाल रही थी. मेरे थोड़े health issues हो गए थे जिसकी वजह से मैं बहुत time से अपने media line से गायब हो गई थी. लेकिन मैं अब वापस आ गई हूँ और मैं आपको मस्कत की नायाब चीज़ों से रूबरू कराती रहूँगी. हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपके प्यार ने मुझे फिर से बुला लिया. शुक्रिया. मैं मस्कत में अल आलम पैलेस के सामने खड़ी हूँ जो ब्लू और गोल्ड से पेंट है. और यहाँ पर अब गेस्ट रिसीव किए जाते हैं. 2002 में जब नीदरलैंड की महारानी यहाँ आई थी तो सुल्तान साहब ने यहीं पे रिसीव किया था उनको. और ये बहुत खूबसूरत है. इनके सातवें परदादा ने ये एक पैलेस बनाया था. के सामने म्यूज़ियम भी है. आप यहाँ आएंगे लेकिन अंदर आम आदमी को जाना अलाउड नहीं है, ये बंद है. और आप आके यहाँ से बस पिक्चर्स ले सकते हैं, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ. आप अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आप बाहर से फोटोज़ ले सकते हैं. मैं अभी म्यूज़ियम के सामने खड़ी हूँ जो ठीक अल आलम पैलेस के सामने है. तो आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम है और अरेबियन कल्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं. और वो यहाँ म्यूज़ियम में नेशनल म्यूज़ियम है. आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, घूम सकते हैं. घूमने की सबसे बड़ी और बहुत बेहतरीन जगह है. फ़िलहाल के लिए इतना ही. मैं फिर मस्कत के किसी एक नई नायाब चीज़ से आपको रूबरू कराऊँगी. जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. थैंक यू.